दी क्लोदिंग आइटम जो पिछले साल भी ट्रेंड में था एंड इस साल भी खतरनाक ट्रेंड में है. येस आई एम टॉकिंग अबाउट वार्सिटी जैकेट्स विच इज ऑल्सो नोन एज बेसबॉल जैकेट्स एंड लेटरमैन जैकेट्स. बट डोंट वरी गाइस, मैं आपको ज़ारा H&M से खरीदने को नहीं बोलूँगा 8-10 हज़ार रुपये खर्चा करके वार्सिटी जैकेट्स, क्योंकि यार इस अ ट्रेंडिंग आइटम एंड ये कितने टाइम तक ट्रेंड में रहेगा नोबडी कैन गारंटी यू दैट. इसीलिए बजट में खरीदो, हैव सम फन एंड अगर अगले साल ट्रेंड में रहेगा इसे रियूज करना. हे एवरीवन, माय नेम इज सुमन सत्यवती, वेलकम बैक अनदर एपिसोड ऑफ डिको स्टाइल. तो गाइस आज की वीडियो है बजट वार्सिटी जैकेट्स के ऊपर विच आर नॉट फ्रॉम थ्रिफ्ट स्टोर एंड मैं सभी को स्टाइल करके भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. तो गाइस पहला जो वार्सिटी जैकेट है इट्स फ्रॉम पावर लुक. एज यू कैन सी इट्स ए बॉटल ग्रीन एंड क्रीम कलर्ड वार्सिटी जैकेट विद ड्रॉप शोल्डर्स जिसके चेस्ट पर एंड लेफ्ट साइड के आर्म्स के ऊपर पैचेस ऐड किए गए हैं. ओवरऑल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, इसके होल बॉडी का जो मटेरियल है दैट इज़ वेरी कंफर्टेबल, अच्छा खासा थिकनेस है इसमें. यार हुडीज में जो मटेरियल यूज होता है स्पेशली H&M की हुडीज में, इट्स एग्जैक्टली द सेम फैब्रिक. देन जो स्लीव्स है इनमें लेदर यूज नहीं किया गया है बट स्टिल लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड काफ़ी प्रीमियम है इनकी क्वालिटी. इनमें भी गाइस अच्छा खासा थिकनेस है. देन जो कफ वाला पार्ट है एंड जो कॉलर वाला एरिया है एंड ये जो जैकेट का नीचे वाला पार्ट है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगा. देन फिट की अगर मैं बात करूँगा, इस मैं यूजुअली स्मॉल साइज पहनता हूँ, इसे मैंने मीडियम साइज में ऑर्डर किया था एंड ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा. मतलब जो बॉडी लेंथ वगैरह है वो सब परफेक्ट है बट जो स्लीव्स वाला पार्ट है वो मुझे थोड़ा सा लूज लगा. सो आई सजेस्ट अगर आप पावर लुक से वार्सिटी जैकेट ऑर्डर कर रहे हो गो विथ योर रेगुलर साइज. बट अगर आपको थोड़ा सा ओवरसाइज लुक चाहिए, थोड़ा सा बैगी फिट चाहिए, अपने साइज से एक साइज बड़ा ऑर्डर कर लेना. देन गाइस पावर लुक की प्राइसिंग वगैरह भी मुझे काफ़ी सही लगा. ये वाला जो जैकेट है इसे मैंने 1350 में लिया था एंड जितने भी वार्सिटी जैकेट्स हैं वो आपको वही 1400-1500 रेंज में मिल जाएंगे एंड दे हैव अ प्रीटी गुड कलेक्शन. स्पेशली ये जो मरून वाला वार्सिटी जैकेट है एंड ये जो ब्लू वाला वार्सिटी जैकेट है इट लुक्स स्टनिंग. बट गाइस जो मरून वाला है वो काफ़ी टाइम से रिस्टॉक नहीं हुआ है. देखो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपको पावर लुक से वार्सिटी जैकेट्स लेनी है तो आपको उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना पड़ेगा क्योंकि डिमांड थोड़ा ज़्यादा है एंड सप्लाई कम. बट मैंने जितना ऑब्जर्व किया है 2-3 दिन में कुछ साइजेस वगैरह रिस्टॉक होते रहते हैं. सो आइदर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपना ईमेल डाल के नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लेना या फिर टाइम टू टाइम चेक करते रहो. स्टाइलिंग की अगर मैं बात करूँ, पहले आउटफिट को मैंने एकदम सिंपल रखा है. एक वाइट प्लेन टी शर्ट, ऑलिव कलर के रिलैक्स्ड कार्गो पैंट्स, वाइट कलर के चंकी स्नीकर्स एंड द वार्सिटी जैकेट. पूरे आउटफिट में मैंने दो ही कलर्स रखे हैं, शेड्स ऑफ ग्रीन एंड वाइट. एकदम एफर्टलेस आउटफिट है गाइस, इसे आप कॉलेज वगैरह पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. एक चीज़ पे ध्यान देना गाइस, जब आप आउटफिट बना रहे हो, जैकेट्स वगैरह ऐड कर रहे हो, पूरे आउटफिट में मैक्सिमम 3 ही कलर्स हो, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उसे पुल ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड वो थोड़ा सा ऑड भी दिखता है. नेक्स्ट आउटफिट में मैंने टी शर्ट को रिप्लेस किया है एक ग्रे कलर की हुडी के साथ एंड बाकी चीज़ें सेम है. हुडीज़ के साथ वार्सिटी जैकेट्स गाइस काफ़ी अच्छे दिखते हैं. वार्सिटी जैकेट्स का जो कॉलर है वो हुड के नीचे बहुत अच्छे से बैठता है. ये जो पर्टिकुलर आउटफिट है ये उन दिनों के लिए सूटेबल है जब बाहर ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी. अगला जो वार्सिटी जैकेट है इट्स फ्रॉम द ब्रांड फुगाजे. एज यू कैन सी इट्स अ ब्लू एंड व्हाइट वार्सिटी जैकेट जिसके चेस्ट के दोनों तरफ पैचेस ऐड किए गए हैं एंड जो स्लीव्स वाला पार्ट है दे आर लेदर कोटेड. गाइस इस वाले वार्सिटी जैकेट का जो ओवरऑल क्वालिटी है दैट्स ऑन ए होल डिफरेंट लेवल. इट्स ए हैवी वेट जैकेट एंड काफ़ी प्रीमियम लगा मुझे इसका मटेरियल, स्पेशली ये जो कॉलर वाला पार्ट है एंड जो कफ वाला एरिया है एंड जैकेट का जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है इसमें बहुत अच्छा थिकनेस है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं ये. देन जो पैचेस हैं गाइस उनको भी धागे से ऐसे स्टिचिंग करके बनाया गया है व्हाइट कलर के धागे से विच लुक्स प्रीटी कूल. एंड जो बॉडी का जो फैब्रिक है दैट इज़ वेरी थिक. अगर मैं इसे पावर लुक वाले वार्सिटी जैकेट के साथ कंपेयर करूँ देन जो थिकनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है. देन इसके जो स्लीव्स हैं उन्हें लेदर से बनाया गया है, फेक लेदर ऑब्वियसली, बट क्वालिटी इज़ वेरी फाइन एंड अंदर से भी ये काफ़ी कंफर्टेबल है. टू बी ऑनेस्ट गाइस मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी. देन इसके फिटिंग अगर मैं बात करूँ, इट फिट्स परफेक्टली. इसका जो बॉडी लेंथ है, जो चेस्ट का लेंथ है, जो स्लीव्स का लेंथ है एंड जो जैकेट के नीचे वाले एरिया का जो फिटिंग है, एवरीथिंग इज फाइन. इसलिए अगर ऑर्डर कर रहे हो गो विथ योर रेगुलर साइज. यार ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है इसके और भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं वार्सिटी जैकेट्स में, स्पेशली ये वाला जो जैकेट है ऑलिव ग्रीन विथ बेज कॉम्बो, इट लुक्स वेरी नाइस. एंड ये वाला जो जैकेट है ब्लू एंड रेड वाला कॉम्बिनेशन, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है. बट देयर प्राइस एट 2900 बिल्कुल मत खरीदना, उनका प्राइस ड्रॉप होगा 1700-1800 तक. ये वाले जो पीस मैंने आपको दिखाया अभी वार्सिटी जैकेट, ये भी 1700 ही है. पहला आउटफिट मैंने रखा है ऑल ब्लैक विथ ए पॉप अप कलर. मैंने पहना है एक ब्लैक प्लेन हुडी, साथ में मैंने ऐड किया है ब्लैक कलर के कार्गो ट्राउजर्स एंड सम ब्लैक चंकी स्नीकर्स. ये वाला जो वार्सिटी जैकेट है वो एक स्टेटमेंट पीस की तरह काम कर रहा है.
विच लुक्स अमेजिंग पार्टीज वगैरह के लिए स्पेशली ये आउटफिट काफ़ी सही है। दिस इज अनदर वे टू स्टाइल वार्सिटी जैकेट्स गाइस, अंदर ऑल ब्लैक आउटफिट पहन लो एंड ऐड द जैकेट। जब आप जैकेट उतार दोगे अंदर का जो आउटफिट होगा वो तब भी मस्त होगा। अगला जो आउटफिट है गाइस दैट्स नाइस एंड ईजी, एक सिंपल व्हाइट टी शर्ट मैंने पहना है, साथ में द सेम ब्लैक कार्गो ट्राउजर्स एंड मैंने पहना है व्हाइट कलर के चंकी स्नीकर्स एंड द जैकेट। इट्स ए एवरीडे कैजुअल आउटफिट, इसे आप काफ़ी सारी जगहों पर पहन सकते हो। अगला जो वार्सिटी जैकेट है इट्स फ्रॉम द ब्रांड बी सैवेज। एज यू कैन सी इट्स ए ब्लैक एंड व्हाइट वार्सिटी जैकेट जिसके चेस्ट के ऊपर एक पैच ऐड किया गया है। ओवरऑल क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ इट्स एवरेज। जो बॉडी में जो फैब्रिक यूज हुआ है उसमें थोड़ा सा थिकनेस है, बट जो स्लीव्स में जो थिकनेस है वो बहुत ही कम है, उतना कुछ ज़्यादा थिक नहीं है। तो इसे आप एक विंड चीटर की तरह यूज़ कर सकते हो। अभी फॉल टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आप इसे पहन सकते हो, बट अगर ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी बाहर देन ये काम नहीं आएगा। इसके फिटिंग की अगर मैं बात करूँ इसे मैंने स्मॉल में ऑर्डर किया था एंड ये मुझे थोड़ा सा टाइट लगा। तो अगर आप इसे ऑर्डर कर रहे हो अपने साइज से एक साइज बड़ा ऑर्डर करना एंड इसका जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 900 रुपीज। ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है गाइस इसके और भी वार्सिटी जैकेट्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं बट वो मुझे उतने खास नहीं लगे। बट ये वाला जो पर्टिकुलर पीस है इसके बहुत सारे लेटर्स ऑप्शंस अवेलेबल है, मतलब ये वाला जो लेटर इस पे यूज़ किया गया है एस, इसके उसके बहुत सारे अवेलेबल हैं लेटर्स ए बी सी डी, बहुत सारे करके ऐसे हैं। सो उन्हें चेक कर लेना। एंड अगर आपको कोई एकदम स्लिम में चाहिए, मतलब एकदम वेल फिटेड चाहिए, डू कंसिडर दिस वन। इसे गाइस मैंने पेयर किया है ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट स्नीकर्स के साथ। ब्लैक टी शर्ट की जगह पे आप व्हाइट टी शर्ट भी पहन सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। सो गाइस दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।